गुड मॉर्निंग। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज को लिखा है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 ईस्वी को और मृत्यु 1948 ईस्वी को हुई थी। तो इतना क्लियर। हिंद स्वराज महात्मा गांधी का एक वर्क है। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। 1869 से 1948 इनका लाइफ स्पैन है। हिंद स्वराज को और क्या कहते हैं, तो हिंद स्वराज को इंडियन होम रूल भी कहते हैं। हिंद स्वराज को महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया दोनों हाथ से, यानी कि दाएं और बाएं, बाई बोथ हैंड, दोनों हाथ से लिखा गया इन 1909 ईस्वी में लिखा गया। पब्लिश्ड आल्सो इन 1909 और पब्लिश भी हुआ 1909 में। 1909 में लिखा गया, 1909 में पब्लिश भी हुआ इन गुजराती लैंग्वेज। सबसे पहले ये 1909 में गुजराती लैंग्वेज में पब्लिश हुआ, बाद में ये 1910 में इंग्लिश लैंग्वेज में इसको पब्लिश किया गया। बाद में 1910 में इसको इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया गया। इन हिंद स्वराज गांधी जी एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन स्वराज, मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैकेनाइजेशन, एजुकेशन एट्सेट्रा। इसमें हिंद स्वराज में गांधी जी स्वराज पर, मॉडर्न सिविलाइजेशन पर, मैकेनाइजेशन पर और एजुकेशन पर अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि हिंद स्वराज के माध्यम से गांधी जी स्वराज, मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैकेनाइजेशन और एजुकेशन पर अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। द बुक वाज बैंड इन 1910। इस बुक को 1910 ईस्वी में बैन कर दिया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एज अ सेडिटियस टेक्स्ट। जो है इस बुक को, यानी कि हिंद स्वराज को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1910 में पब्लिश कर दिया गया, इसको सेडिटियस टेस्ट के रूप में इसको पब्लिश कर दिया, बैन कर दिया गया। फर्स्ट टाइम रिटन इन नेटिव लैंग्वेज गुजराती। पहली बार हिंद स्वराज को नेटिव लैंग्वेज, गांधी जी के नेटिव लैंग्वेज यानी कि गुजराती में इसको लिखा गया था। गांधी जी ने इसको गुजराती में लिखा था। गांधी जी रोट दिस बुक वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम लंदन टू साउथ अफ्रीका। गांधी जी ने इस किताब को तब लिखा जब वो लंदन से साउथ अफ्रीका की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, जब वो लंदन से साउथ अफ्रीका की ओर यात्रा कर रहे थे, तब गांधी जी ने इस बुक को लिखा। ऑन बोर्ड SS किल्डोनेम कैसल, ये देखिए ये बोट, इस बोट पर बैठे थे। कौन से बोट पर? बोर्ड SS किल्डोनेम कैसल बोट पर बैठे थे और वहाँ पर ये लिख रहे थे। क्लियर। लंदन से साउथ अफ्रीका की तरफ ट्रैवल करते हुए इस बोट पर बैठकर, कौन से बोट पर बैठकर? बोर्ड SS किल्डोनेम कैसल पर बैठकर। इन सितंबर 1938, सितंबर 1938 में द फिलोसॉफिकल मैगजीन द आर्यन पाथ पब्लिश्ड अ सिंपोजियम ऑन हिंद स्वराज। देखिए सितंबर 1938 में फिलोसॉफिकल मैगजीन जिसका नाम है आर्यन पाथ, इसने जो है हिंद स्वराज पर एक सिंपोजियम पब्लिश किया। गांधीज हिंद स्वराज, गांधी जी का हिंद स्वराज अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, एक तरह से मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्रिटिक है। क्रिटिसाइज किया गया है मॉडर्न सिविलाइजेशन को। प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, और इंडिया के एंशियंट सिविलाइजेशन के प्रिजर्वेशन की बात हुई है। बेस्ट वर्ल्ड हैज एवर सीन, जो कि संसार में पहले से दिखाई देता है। मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये किंगडम ऑफ सटन, देखिए सटन का किंगडम के रूप में मॉडर्न सिविलाइजेशन को माना गया है और
गॉड के सिविलाइजेशन के रूप में एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन को माना गया है। मीन्स यहाँ पर एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स है कि किंगडम ऑफ सटन क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, और किंगडम ऑफ गॉड क्या है, गॉड का किंगडम क्या है, तो एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन है। ठीक, सटन का मतलब एक तरह से जो है राजस से लिया जाता है ना। ठीक, आगे देखिए, आउट ऑफ 20 चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 चैप्टर्स। अब देखिए हिंद स्वराज में 20 चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल 20 चैप्टर्स हैं, जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं वो हैं 10 हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कितने हैं, 10 हैं। चैप्टर 4 है व्हाट इज स्वराज, चैप्टर 4 जिसका नाम है व्हाट इज स्वराज। चैप्टर 6 देखिए, 4 के बाद 6 है, चैप्टर 4 व्हाट इज स्वराज, चैप्टर 6 सिविलाइजेशन, चैप्टर 6 सिविलाइजेशन, और चैप्टर 7 व्हाई वाज इंडिया लॉस्ट, चैप्टर 7 व्हाई वाज इंडिया लॉस्ट। तो तीन चैप्टर क्लियर है, चैप्टर 4 है व्हाट इज स्वराज, स्वराज क्या है, चैप्टर 6 है सिविलाइजेशन, है ना, यानी कि सभ्यता की बात की गई है, और चैप्टर 7 व्हाई वाज इंडिया लॉस्ट। ठीक, चैप्टर 9 है द कंडीशन ऑफ इंडियन रेलवेज, चैप्टर 9 में इंडियन रेलवेज की कंडीशन को बताया गया है, चैप्टर 9 द कंडीशन ऑफ इंडियन रेलवेज, और चैप्टर 10 द कंडीशन ऑफ इंडिया, चैप्टर 10 में इंडिया की कंडीशन को दिखाया गया है, चैप्टर 10 द कंडीशन ऑफ इंडिया, चैप्टर 11 द कंडीशन ऑफ इंडियन लॉयर्स, चैप्टर 11 क्या है, तो चैप्टर 11 है द कंडीशन ऑफ इंडियन लॉयर्स, इंडियन लॉयर्स, और चैप्टर 12 है द कंडीशन ऑफ इंडियन डॉक्टर्स, चैप्टर 12 में द कंडीशन ऑफ इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन डॉक्टर्स की कंडीशन को दिखाया गया, चैप्टर 13 व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन, चैप्टर 13 व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन, और चैप्टर 18 एजुकेशन, और चैप्टर 19 मशीनरी, चैप्टर 19 क्या है, मशीनरी। तो देखिए आउट ऑफ 20 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर्स, 20 चैप्टर्स हैं ओवरऑल हिंद स्वराज में, इनमें से 10 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सा है, चैप्टर 4 व्हाट इज स्वराज, चैप्टर 6 सिविलाइजेशन, चैप्टर 7 व्हाई वाज इंडिया लॉस्ट, चैप्टर 9 द कंडीशन ऑफ इंडियन रेलवेज, चैप्टर 10 द कंडीशन ऑफ इंडिया, चैप्टर 11 द कंडीशन ऑफ इंडियन लॉयर्स, चैप्टर 12 द कंडीशन ऑफ इंडियन डॉक्टर्स, चैप्टर 13 व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन, और चैप्टर 18 एजुकेशन, चैप्टर 9 मशीनरी, अबाउट गांधी जी। अब यहाँ गांधी जी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, इंडियन लॉयर, गांधी जी इंडियन लॉयर थे, एंटी कॉलोनिस्ट थे, स्टडीड लॉ इन लंदन, लंदन में इन्होंने लॉ की स्टडी किया, देन स्पेंड 21 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका, फेस्ड रेशियल अटैक्स, 21 ईयर्स 21 साल ये साउथ अफ्रीका में रहे, जहाँ पर ये रेशियल अटैक्स को फेस किए, ही फॉर्मुलेटेड द सत्याग्रह प्रोटेस्ट, और इन्होंने सत्याग्रह प्रोटेस्ट को फॉर्मुलेट किया, हैड अ करस्पोंडेंस रिलेशंस विद द रशियन नॉबलिस्ट लियो टॉल्स्टॉय, और इनका जो है रशियन नॉबलिस्ट लियो टॉल्स्टॉय से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन 1948 में एसेसिनेटेड बाई नाथूराम गोडसे अ हिंदू नेशनलिस्ट, 1948 में नाथूराम गोडसे जो कि हिंदू नेशनलिस्ट था उन्होंने इसको एसेसिनेट कर दिया, मार दिया। गांधी जी रोट हिंद स्वराज इन 10 डेज, गांधी जी ने हिंद स्वराज को 10 दिन में लिखा, गांधी जी ने हिंद स्वराज बुक को 10 दिन में लिखा, वाइल ही वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम लंदन टू साउथ अफ्रीका इन अ शिप, जब वो लंदन से साउथ अफ्रीका एक शिप में यात्रा कर रहे थे तब इन्होंने इसको लिखा था। हिंद स्वराज एडवोकेट्स इंडियन फिलॉसफी ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज जो है इंडियन फिलॉसफी ऑफ लाइफ को बताता।
देखिए अब हिंद स्वराज का जेनरा क्या है, तो हिंद स्वराज का जेनरा जो है फिलोसॉफिकल डायलॉग है। हिंद स्वराज का जेनरा क्या है, तो हिंद स्वराज का जेनरा फिलोसॉफिकल डायलॉग है। इसकी सेटिंग रखी गई अर्ली 20th सेंचुरी इंडिया में, वो भी ब्रिटिश रूल के अंडर। सेटिंग अर्ली 20th सेंचुरी इंडिया है। फिलोसॉफिकल डायलॉग क्या होता है, तो देखिए इन दिस डायलॉग, इस डायलॉग में द एडिटर मीन्स एडिटर के रूप में गांधी जी हैं। आंसर्स वो क्वेश्चन आंसर देते हैं, क्वेश्चंस ऑफ हाँ करेक्टर कॉल्ड द रीडर, मतलब एक करेक्टर रीडर का जो है रीडर के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। फिलोसॉफिकल डायलॉग में एक क्वेश्चन करता है और दूसरा आंसर देता है। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन, और ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये किस पर बेस्ड ऑन होते हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं होम रूल यानी कि स्वराज पर बेस्ड हैं, है ना, पैसिव रेजिस्टेंस सत्याग्रह पर बेस्ड है, मॉडर्न सिविलाइजेशन पर बेस्ड है और इंडियन नेशनल हुड पर बेस्ड है, है ना। ये क्वेश्चंस जो गांधी जी से रीडर क्वेश्चन करता है, ये क्वेश्चन चार चीज़ों पर बेस्ड हुए हैं। होम रूल यानी कि स्वराज पर बेस्ड हैं, पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि सत्याग्रह पर बेस्ड है, और इसके बाद में मॉडर्न सिविलाइजेशन पर बेस्ड है, इंडियन नेशनल हुड पर बेस्ड है। स्वराज सेल्फ रूल एंड होम रूल। द एडिटर इंडियन नेशनल कांग्रेस क्रिएटेड इन 1885 ब्रॉट एजुकेटेड इंडियंस टुगेदर टू डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। ये देखिए एडिटर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1885 ईस्वी में जो कि बनाई गई है ना, इसने जो है इंडियंस को एक साथ एकत्र किया इंडियंस को, और जहाँ पर यह है कि जो भी ब्रिटिश से किसी भी चीज़ की अगर डिमांड करनी होगी तो कांग्रेस के थ्रू जो कि 1885 में बनाई गई उसके थ्रू डिमांड करेंगे। रीडर अब यहाँ देखिए क्वेश्चन करता है रीडर, हाउ डू वी गवर्न आवर कंट्री, हम अपने देश को कैसे गवर्न करें। एडिटर खुद एडिटर के रूप में गांधी जी रिप्लाई करते हैं, अनलेस इंडियंस लर्न टू गवर्न देमसेल्व्स फेयरली, जब तक कि इंडियंस लोग खुद से ये ना जान जाएं कि कैसे गवर्न किया जाता है, इंडिया विल सिंपली हैव इंग्लिश रूल विदाउट द इंग्लिश मैन, तब तक जो है इंडिया में जो है ये अंग्रेज लोग शासन करते रहेंगे। इंडिविजुअल्स हैव टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स बिफोर दे कैन ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, डेट्स वाई, इसीलिए स्वराज रिफर्स टू बोथ एंड इंडिविजुअल्स सेल्फ रूल एंड नेशंस सेल्फ रूल, इसीलिए स्वराज का मतलब दोनों चीज़ से होता है कि एक जो है इंसान का सेल्फ रूल क्या है और नेशंस का रूल क्या है। इफ़ वी बिकेम फ्री, मान लो अगर हम फ्री भी हो जाते हैं, इंडिया इज फ्री, अगर हम फ्री हो गए तो मतलब इंडिया फ्री हो गए। रिमेंबर द ओल्ड प्रोवर्ब्स, है ना, पुरानी कहावत को याद करो, द ट्री डज नॉट ग्रो इन वन डे, कि कोई भी ट्री एक दिन में ग्रो नहीं करता है। रीडर अब रीडर फिर क्वेश्चन करता है, एवरी इंग्लिश मैन इज आवर एनिमी, क्या हर इंग्लिश मैन हमारा एनिमी है। एडिटर जो है खुद गांधी जी रिप्लाई करते हैं, बी Who seek justice will have to do justice to others. If we act justly, India will be sooner free. ये कह रहे हैं अगर हम justly ईमानदारी से act करते हैं तो India बहुत जल्दी free हो जाएगा। You will see, तुम देखोगे, to that if we sun every Englishman as an enemy, home rule will be delayed. But if we are just to them, we shall receive their support in our progress towards the goal. सत्याग्रह प्रोटेस्ट यानी कि पैसिव रेजिस्टेंस पर क्वेश्चन आंसर कैसे होता है। रीडर इंडियंस शुड एडवाइस होम रूल बाई टेकिंग अप आर्म्स एंड फोर्सिंग द इंग्लिश आउट ऑफ इंडिया। एडिटर गांधी जी क्या रिप्लाई करते हैं, डैट्स नॉट द राइट मेथड, आई कैन एक्सप्लेन this to you with an example from Italian history. The Italian reunification in the 1800s was led by revolutionaries named Garibaldi and Mazzini.
इन अ वायलेंट मैनर. रिजल्ट देयर रिवॉल्यूशन मेयरली गॉन पावर टू द इटालियन इलाइट विदाउट ट्रूली फीलिंग द पॉपुलेशन फ्रॉम टायरनी. The only solution to India's true freedom is passive resistance, refusing to follow the government's demands. But Satyagraha has its challenge. Passive resistance is a method of securing rights by personal suffering. It is the reverse of resistance by arms. When I refuse to do a thing that is repugnant to my conscience, I use soul force. For instance, the government of the day has passed a law which is applicable to me. I do not like it. If by using violence I force the government to repeat the law, I am employing what may be termed body force. If I do not obey the law and accept the penalty for its breach, I use soul force. It involves sacrifice of self. Modern civilization. The editor. Let's first describe modern civilization. People living in it make bodily welfare the object of life. The problem with England is modern civilization, the way of the life that prioritizes bodily welfare or people's material desires above everything else. This trap them and their colonies in an unsustainable cycle of constant economic expansion. The reader, but haven't the British forced this civilization on us? The editor, the English haven't taken India. We have given it to them. They are not in India because of their strength, but because we keep them. The modern railway network is a dangerous tool for plundering India's resources and forcing its people into slavery. Rather than living self-sufficiently in their village communities, farmers now have to sell everything to the British, which have created devastating famines. The editor sums up his case against modern civilization by supporting the ancient India civilization. The editor, Indians should embrace moral education and reject most Western machinery with some expectations, like the printing press, which can help the independence movement spread. Nationalhood. Here the editor dialogues with the reader regarding how to convert India into a true, patient and moral nation. The editor, religion is dear to me, and my first complaint is that India is becoming irreligious. Here I am not thinking of the Hindu, Mohammedan or the Zoroastrian religion, but of that religion which underlies all religions. We are turning away from God. The English have taught us that we were not one nation before, and it will require centuries before we become one nation. How does Hind Swaraj end? The editor, means Gandhiji, summaries the text as follows. Real home rule is self-rule or self-control. The way to it is passive resistance, that is soul force or love force. In order to exert this force, Swadeshi in every sense is necessary. What we want to do should be done, not because we object to the English,
but because it is our duty to do so. Thus, supposing that the English remove the salt tax, restore our money, give the highest post to Indians, withdraw the English troops, we shall certainly not use their machine-made goods, nor use the English language, nor many of their industries. It is warmth, nothing, that these things are in their nature harmful, hence we do not want them. I bear no enmity towards the English, but I do towards their civilization.